नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम चौबीसी क्षेत्र से। और महम चौबीसी क्षेत्र का ये नेशनल हाईवे जो रोहतक हिसार हाईवे है उसके ऊपर मौजूद है। और इस हाईवे के ऊपर मौजूद रहने का एक कारण, यहाँ हम खड़े हैं निंदाणा भराण बड़म्बा खरकड़ा मोखरा ड्रेन के ऊपर, जो अब बारिश का समय है, नज़दीक ही बारिश का मौसम है। अभी तक कोई तेज़ बारिश वगैरह हुई नहीं है इलाके में, जिस बारिश की जो ज़रूरत है, किसानों को भी भारी इंतज़ार है, ज़बरदस्त इंतज़ार है अपनी फसलें लगाने के लिए, क्योंकि इस मौसम में धान की फसल अक्सर इस इलाके में लगाई जाती है और बारिश का इंतज़ार किसान कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पिछले साल इस ड्रेन के कारण पूरे इलाके में हाहाकार मचा था कि पानी का भराव लगातार एक समस्या जो लेकर आया था, क्योंकि इलाके के अंदर धान की फसल को डुबोने का काम इसी ड्रेन ने किया था। और यहाँ पर इसी महकमे से, इसी डिपार्टमेंट से संबंधित विजेंद्र नाराजी इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं, उन्होंने दौरा किया था और महत्वपूर्ण कार्य के निर्देश दिए थे कि अगले साल यहाँ पर व्यापक प्रबंध होंगे और साथ में ड्रेनेज की सफाई का शानदार प्रबंध होगा। उसके साथ साथ में जहाँ पर भी कटाव की समस्याएं लगातार हर साल आती हैं, उस कटाव की जगह के ऊपर लगातार उसको साइडों से पक्का किया जाएगा, ताकि ड्रेनेज जो है ना सही तरीके से, उसके पानी का बहाव सही तरीके से उसके, और कहीं भी व्यवधान पैदा ना हो और ड्रेन टूट के पानी बाहर निकल के बर्बादी का कारण ना बने। फसलें की बर्बाद होंगी तो किसान बर्बाद होगा। इसी आवाज़ को लेकर लगातार पिछले कई महीने से इस ड्रेन के ऊपर कार्य चला हुआ है। हम जहां पर मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी निकासी के लिए पंप हाउस है जो हाईवे के नज़दीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई वगैरह का प्रबंध भी किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो भी निर्माण कार्य किया गया है, मैं तो ये कहूँगा बारिश के मौसम से पहले उन अधिकारियों को इसका जायज़ा लेना चाहिए और इसके बारे में रिपोर्ट तय करनी चाहिए कि कार्य वाक्य में सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे इस विषय में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल में इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर कार्य किया हुआ नज़र आता है। लेकिन जैसे ही हम खरकड़ा की तरफ चलेंगे, मोखरा की तरफ चलेंगे, मैं आपको फोटो वो दिखा दूंगा साइड स्क्रीन के ऊपर कि जहां पर मनरेगा के मजदूरों के द्वारा घास कटाई का कार्य कर लिया गया, लेकिन सिल्ट उसके अंदर यूं की यूं मौजूद है। रास्ते में एक जगह पर दीवार गिरी हुई है, दीवार को निकाला नहीं गया, वो यूं की यूं गिरी हुई है। और दीवार गिरने के साथ ही जो इलाका है ड्रेन की, जो चौड़ाई का सिस्टम है, वो भी बाधित हो रहा है और चौड़ाई कम रह गई है, जिससे भविष्य में जब पानी की मात्रा बढ़ेगी, बारिश ज़्यादा मात्रा में होगी, तो यहाँ पर गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। अब फिलहाल जहाँ जहाँ भी पंप हाउस वगैरह लगाए गए हैं इस ड्रेन के ऊपर, वहाँ वहाँ साइडों से इसको नीचे से या ऊपर से साइड से पक्का कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो पटरी नज़र आ रही है, वो पटरी भी समतल करके सही तरीके से तैयार की गई है, लेकिन एक साइड की जो पटरी है वो ज्यों की त्यों पड़ी है, साइडों से सफाई कमतर ही की गई है। अब आके आप देख सकते हैं पंप हाउस से आगे की तरफ का जो एरिया, राम राम भाई, ठीक हो, पंप हाउस से आगे का जो एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे घास भी है यूं का यूं, और यहाँ जो वृक्ष जो कटे हुए टूटे हुए जो वृक्ष हैं, वो भी एक पेड़ उसके अंदर ही गिरा हुआ है। तो मैं तो अधिकारियों से निवेदन और अनुरोध करूँगा कि ईमानदारी के साथ किए हुए कार्य को भी एक बार चेक करने का कष्ट करें, क्योंकि ये ड्रेन हमेशा ही इलाके के लिए तबाही का कारण बनती आई है, क्योंकि तीसरा साल है तब भी ये ड्रेन टूटी हुई थी। और ड्रेन टूटने की तरफ मैं आपको बताऊंगा, खरकड़ा की साइड नेशनल हाईवे के ऊपर ये ड्रेन टूटी थी, वहाँ पर भी सैकड़ों एकड़ में पानी भरा हुआ था। अब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ वो कच्चा एरिया मैं आपको दिखा दूँ, आगे की तरफ गड्ढे हैं या कहीं समतल तो है नहीं, लेकिन सफाई कुल मिला के अच्छे तरीके की है यहाँ पर। और जहाँ जहाँ सफाई की कमी है, मैं तो अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि वो मौके पर पहुँचे और ड्रेन का जायज़ा लें, ताकि भविष्य में जब भी बारिश ज़्यादा मात्रा में हो या पीछे की तरफ से पानी का बहाव इसके अंदर बढ़े, तो तुरंत प्रभाव से पानी की सप्लाई आगे की तरफ शुरू हो जाए और किसानों की फसल बच सके। और विभाग के ईमानदार अधिकारी
जो लगातार इस कार्य से जुड़े हुए हैं वो भी अपना परिचय दे, ताकि समय समय पर मौके मौके पर जांच करते रहें। पिछले दिनों भी आप लगातार जांच करते रहे होंगे। मैं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ है विजेंद्र सिंह नारा जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप पिछले साल आप यहाँ पहुँचे थे, आपने अच्छा कार्य यहाँ पर करवाया है, एक बार और यहाँ पर पहुँचकर इसका जायजा लें, ताकि लोगों को भी ये पता चले, आम जनता को भी पता चले कि अधिकारी एक आम जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर खड़े होकर कार्य करवाया है, लेकिन जहाँ पर कमियाँ हैं उनको भी दुरुस्त करवाने का कार्य करें, ताकि भविष्य में किसी समस्या से ना जूझना पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।